मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अभी सुबह का समय है, थोड़ा सा हमारा इस समय स्वास्थ्य भी काफी गड़बड़ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये वायरल फीवर वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे कर करके हमने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कराया है और थोड़ा सा जुकाम जैसा भी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे मित्रों को जो कन्फ्यूजन है डेट को लेकर के कि धरना की डेट कब है क्या है, वो आपको बता दूं क्लियर एकदम 110% 17 नवंबर डेट निर्धारित है। कितना? 17 नवंबर। और दूसरी चीज, ये जो धरना है बहुत ही अनोखा धरना, बहुत नए स्टाइल से होगा, अनिश्चितकालीन होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। उन तमाम चौकीदारों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग हिम्मत बांध कर आइए, ये आपकी लास्ट एंड फाइनल लड़ाई है। ये बार बार ये झमेला मत करिए, 100-100 लोगों का ढेर बना बना के आप लोग हंसाते हैं लोगों को। एक बार आइए, अच्छे से कूच कीजिए, अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कीजिए, ताकि सरकार और सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना हो, और अपनी बात को रखिए। उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ मुहर लगाएगी, लेकिन इस पर आप खरे उतरिए। बहाना मत बनाइए कि हमको लेटरिंग होने लगी, हमको बुखार आ गया। आना है तो मतलब आना है, सबको आना है। और ये जो धरना सोसाइटी वेलफेयर करा रही है, सबसे पहले एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं कि किसी भी तरीके से ये पैसा वसूली नहीं होगी। नंबर दूसरा, अभी मेरी हरिओम कटारिया से बात हुई तो उन्होंने मुझे तुरंत एक ही चीज कहा है कि भाई जी, मैं आ रहा हूं, मैं टेंट टेंट की व्यवस्था करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगला आदमी अपना 2-4 पदाधिकारी मिलकर के ये व्यवस्था देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना, वरना लोग तो चंदा वसूली करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई अपने जेब से नहीं लगाता है। तो कुछ चीजों को देखा करिए। और नेतागिरी किसी भी तरह से कोई भी नहीं चमकाएगा, सिर्फ चौकीदार बनकर आइए और चौकीदार बनकर के कूच करिए, ये बात का ध्यान दीजिएगा। 17 नवंबर याद रखना, आ गई है पास में, 17 नवंबर पास में है बिल्कुल डेट। वहां पर भारी मात्रा भारी संख्या में पहुंचे, अन्य लोगों के कहने पर ना चले, ये आप सभी से निवेदन है हमारा। बाकी आपकी इच्छा की, अब आपको क्या करना, फिर ये बात मत कहना कि भैया काम क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोग भारी से भारी संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो। और जिन लोगों को कोतवाली में गिरफ्तार किया गया था बलिया में, उन लोगों को छोड़ दिया गया है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो इसी तरह आप लोग हिम्मत को जुटाएं और हिम्मत के साथ मैदान में कूदें और काम करें, मेहनत करें। माता रानी सदैव आप पर कृपा बनाए रखे, शक्ति बनाए रखे, यही हमेशा शुभकामना हम देंगे। लेकिन आप लोग भी हार ना माने, ये मेरा आग्रह है और ये मेरी अपील है। आप लोग भारी से भारी संख्या में वहां पर एकजुट हो, एकत्रित हो, चौकीदार बनकर आए, नेता बनकर नहीं। जो 5 पदाधिकारी चुने जाएंगे वहां आगे बैठने के लिए, उन 5 लोगों के अलावा कोई भी नेतागिरी नहीं चलेगी। आप लोग इकट्ठा रहेंगे, एक साथ रहेंगे और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे। अपना एक टारगेट लेके आपको घर से निकलना है और वादा करके घर से निकलना है कि इस जंग को हमें जीत कर आना है। और माता रानी से दुआ करता हूं कि जरूर माता रानी आप पर सदाशायी बहुत जल्द होंगी। जय माता।